मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार की दोपहर दुद्धी रामलीला मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सपा बसपा कांग्रेस पर जमकर हमलावर हुए। कहा, देश का विकास हो रहा और भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत छेड़ता नहीं है, अगर कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता नहीं है। जिनके पास भूमि नहीं है उन्हें भूमि दी जाएगी। जो 70 साल पानी के लिए तरसाया वो आज एक एक वोट के लिए तरस रहा। जनजाति को जिनके पास आवास नहीं था उन्हें आवास मिला। 2025 को बिरसा मुंडा वर्ष घोषित करने का ऐलान करते हुए लोकसभा प्रत्याशी रिंकी कोल व दुद्धी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी श्रवण के पक्ष में वोट देने की अपील की। सपा रामद्रोही है, राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं। सोनभद्र से दीपक सिंह व मोहम्मद शमी मंसारी की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। हमारे जनजातीय बंधुओं के गौरव के लिए, उन्होंने भारत के लिए जनजातीय समाज को भारत की आजादी के साथ जोड़ने के लिए प्राणपण से कार्य किया था। और 2025 का अगला